रुक करेंगे बस्ती का, जो बस्ती के मोमडब्बार में गांव में मौतों से फैली सनसनी। तेज बुखार, सांस फूलने से हो चुकी हैं अब तक 25 मौतें। गांव में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और गांव में टेस्टिंग सैनिटाइजेशन तक नहीं हो रही। बता दें गौड़ थाना क्षेत्र के महुआ डाबर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से दावा किया गया है और ये आधिकारिक जो है आदेश भी जारी कर दिए गए थे कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग तेजी के साथ की जाए और जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उनको तत्काल प्रभाव से इलाज मुहैया कराया जा सके। लेकिन धरातल पर ये सभी दावे और ये सभी वादे धराशाह होते हुए नजर आ रहे हैं। बस्ती के महुआ डाबर से ये मामला सामने आया है, जहां पर मरीजों की लगातार मौत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम गांव नहीं पहुंची है और गांव में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। बता दें लक्षण बताए गए हैं कि बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ है और इसकी वजह से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गाँव में बीमार पड़े हैं। इसी के साथ ही ग्रामीणों की तरफ से ये भी आरोप सामने आया कि अभी तक गाँव में ना तो सैनिटाइजेशन करवाया गया और ना ही स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम गाँव में मुआयना करने पहुंची। लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है और इलाज के अभाव में कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। बता दें तेज बुखार, सांस फूलने से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गांव में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से ही ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के लक्षण सामने आने लगे थे, कोरोना संक्रमण के लक्षण सामने आ रहे थे और कई मरीज अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी कड़ी में गौड़ थाना क्षेत्र का यह मामला महुआ डाबर से सामने आया है, जहां पर सांस फूलने की तकलीफ की वजह से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बस्ती के बाद अब रुक करेंगे कर्नाटक का। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कर्नाटक में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बता दें सीएम बीएस येदुरप्पा ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और लॉकडाउन का पालन करने की लोगों से अपील की गई है। बता दें एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए और नए स्ट्रेन की जो लहर आने वाली है उसके खतरे को समझते हुए लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें देश भर में कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी अवधि को कई बार बढ़ाया जा चुका है बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए। और वहीं इस कड़ी में अब कर्नाटक से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है और कर्नाटक में अब 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है। सीएम येदुरप्पा ने यह फैसला लिया है, उनका कहना है बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जहां पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और बता दें कि लोगों से एक बार फिर से लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करने की अपील की गई है और इसी के साथ ही कड़ी पाबंदियां अभी भी जारी हैं और इसी के साथ ही पाबंदियों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन को खास दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कर्फ्यू है, ये जो लॉकडाउन लगाया गया है कोरोना की वजह से, इसमें किसी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।